बायोलॉजी का हमें क्लासेस में जितना पढ़ा गया है यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका था, पर लास्ट हम क्लास में कंप्लीट यूनिट पढ़ेंगे। इसका क्या क्या इसमें आएगा, इसका जो नेक्स्ट है इकोसिस्टम वाला, वो इस यूनिट में इंक्लूड नहीं है आपके सिलेबस में। यूनिट में तो इंक्लूड है, बस आपके सिलेबस में इकोसिस्टम इंक्लूड नहीं है। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। सो देखते हैं बायोडायवर्सिटी इसमें क्या होता है। अलग अलग टाइप की जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, वो पाई जाती है। अलग अलग टाइप की स्पीसीज पाई जाती है, किस किस बेसिस पे। क्या डेफिनेशन है इसके बायोडायवर्सिटी, कैन बी डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ जीन्स स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ अ गिवन स्पेसिफिक प्लेस पे। जो क्या काउंट किया जाता है वहाँ की जीन्स, कितने जीन्स के बेसिस पे जो काउंट की जाती है, स्पीसीज के कैसे चेंजेस आते हैं स्पीसीज के, स्पीसीज के बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी कितनी टाइप्स की स्पीसीज हैं, कैसे कैसे स्पीसीज हैं। उसके बाद इको सिस्टम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो टर्म है ये किसने दिए, कॉइंड बाय एडवर्ड विल्सन, ठीक है। एडवर्ड विल्सन ने इसको दिया है, इसकी डेफिनेशन दी है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें काफी ज्यादा छोटे से छोटी चीज लेके बायोम्स तक सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। उसके बाद देखो इसके टाइप्स देखते हैं, कौन कौन से जेनेटिक डाइवर्सिटी है। उसके बाद नेक्स्ट स्पीसीज है, इकोलॉजिकली इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो जेनेटिक में क्या आता है। सबसे पहले तो जेनेटिकली काफी ज्यादा चेंजेस होती है, ठीक है। उसके बेसिस पे क्या क्या स्पीसीज है ये काम की जाती है। इसके अलावा जब देखो इसकी एग्जांपल तो मैंने दी कि आपको जो हम ये क्यों पाई जाती है, क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, क्यों होनी चाहिए अलग अलग स्पीसीज, क्योंकि हमें पता है कि फूड चेन के ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो एक स्पीसीज होती है वो सेकेंड स्पीसीज पे किसी न किसी चीज के लिए डिपेंड होती है, वो डिपेंडेंट होती है। तो ऑब्वियसली क्या होता है कि जब एक स्पीसीज का लॉस होता है, एक स्पीसीज का लॉस होता है तो सेकेंड वाली स्पीसीज ज्यादा हो जाती है, ठीक है, या उनका भी लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल तो हम पहले डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं, बट इस क्लास में जस्ट हम थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स कैसे पढ़े थे हम, ठीक है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट है आगे, जब एक टाइप की डिजीज, जो एक टाइप की स्पीसीज है वो ज्यादा हो जाती है तो उनमें डिजीज होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। डिजीज ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन की वजह से डिजीजेस ज्यादा बढ़ जाती है, तो इससे भी इको सिस्टम में इनबैलेंसिंग आती है, लॉस होता है इको सिस्टम का। आगे नेक्स्ट की एग्जाम्पल दी हुई है। उसके बाद 40,000 अपने अलग अलग टाइप के चावल्स पड़े थे, मैंगोज पड़े थे, ठीक है। मैंगोज की अलग अलग टाइप के अलग अलग स्पीसीज होती है, काफी टाइप के मैंगोज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा था स्पीसीज कवर्स, इसमें क्या पढ़ा था हमने, जो स्पीसीज है वो अलग अलग टाइप की पाई जाती है, ठीक है। अलग अलग कोई ना कोई एज है वो फेमस होती है किसी न किसी टाइप की स्पीसीज के लिए, ठीक है। वहाँ पे वो स्पीसीज ज्यादा होती है, ठीक है। आप बोलते हैं तो सबसे पहले इसमें दो पॉइंट्स कंक्लूड जाते हैं, तो प्लेस में कितनी है। इसके अलावा स्पीसीज इवननेस काउंट की जाती है कि ज्यादा बढ़ने की स्पीसीज के कौन सी स्पीसीज वहाँ पे जा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्लेस है जो फेमस है। जैसे इसके लिए आपको एग्जाम्पल देखिए एलिफेंट्स की, जो वाइट एलिफेंट्स हाईलैंड में जैसे पाए जाते हैं, तो वैसे जो होती है जगह वो फेमस होती है, ठीक है। तो वहाँ पे स्पीसीज इवननेस काउंट की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये दोनों पॉइंट्स हम पढ़ ही चुके हैं। एक तो पहले जितने इंडिविजुअल्स टोटल, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी जो स्पीसीज है वो टोटल कितनी है। उसके बाद स्पीसीज इवननेस देखते हैं, जैसे स्पीसीज इवननेस में हम एग्जांपल ली हुई है इन्होंने, जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे क्या ज्यादा पाया जाता है, कौन सी डाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। एम्फीबियंस जो है, एम्फीबियन स्पीसीज तो पता ही है, जो इसमें होती है लैंड पे भी होती है, ठीक है, पानी में भी होती है जो स्पीसीज, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो इसके लिए टैडपोल्स की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। तो एस्टर्न घाट से ज्यादा वेस्टर्न घाट पे कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, एम्फीबियन स्पीसीज, ठीक है। तो स्पीसीज इवननेस की एग्जांपल आपको दी हुई है। आगे नेक्स्ट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी हमने पढ़ लिया। इसमें बताया हुआ है कि
इसमें वैसे मोस्टली क्या खेल जाते हैं, इसमें इंडिया के एग्जांपल भी जाते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। देखो ना कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है, काफी कुछ है इंडिया में, मेडोज है, बायोम्स काफी टाइप के, लाइक अल्पाइन मेडोज हो गए, डेजर्ट्स, वेटलैंड्स, ये सब कुछ इसमें इंडिया में पाया जाता है। अलग अलग टाइप की स्पीसीज ऐसी पाई जाती है, तो ये इकोसिस्टम में ही इन्वॉल्व होता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आती है ये। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल, ग्लोबल में क्या किया जाता है, जो IUCN है उसने क्या किया, IUCN एक लिस्ट बनाता है, तो लिस्ट में क्या है वो टोटल अमाउंट ऑफ प्लांट्स कितने हैं, एनिमल स्पीसीज कितनी है, प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज अबाउट, उसने बताया कि 1.5 मिलियन है लिस्ट में। उसके बाद हम प्लांट स्पीसीज की आगे सब स्पीसीज बनाई जाती है कि कौन सी अमाउंट ऑफ स्पीसीज कितनी है, कौन सी क्या है, एल्गी, एल्गी या फंजाई कितने हैं, ठीक है, ये सब कुछ उसमें बताया जाता है। प्लांट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उनकी अमाउंट कितनी है स्पीसीज की। इसके अलावा एनिमल्स बताए जाते हैं, कौन से विद बैकबोन होते हैं, कौन से विदाउट बैकबोन वाले होते हैं, ठीक है, तो फिशेज कितनी है, ठीक है, ये सब कुछ उसने बताया हुआ था। नेक्स्ट देखो ये सब कुछ एनिमल स्पीसीज कितनी, प्लांट स्पीसीज कितनी, इंसेक्ट, ये सब कुछ बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया जाता है, कैसे टैक्सा बनाए जाते हैं, ठीक है, टैक्सोनॉमी बोलते हैं इसको, तो ऐसे टैक्सा बना के शो किया जाता है कि कितनी अमाउंट ऑफ कितनी स्पीसीज है, ठीक है, तो इससे हमें आइडिया सा हो जाता है कि कौन सी स्पीसीज चाहिए। देखिए इनसे भी पाई चार्ट जो बने हुए हैं या फिर इनसे शो होता है ना हमें कि कौन सी स्पीसीज ज्यादा है, कौन सी कम है स्पीसीज, ठीक है, तो विदाउट बैकबोन होती है, विद बैकबोन होती है, प्लांट्स आ गए इसमें, ठीक है, एल्गी कितने, फंजाई कितने हैं, मॉसेस कितनी है, एंजियोस्पर्म्स कितनी है, लेंटिकल्स कितने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एस्टिमेट, सा होता है कि ये होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं उनका एस्टिमेट लगाया जाता है, बट जो ये टैक्सा बनाए जाते हैं ये कहीं तक तो स्टेबल होते हैं, वैलिड होते हैं, बट जो सिंगल सेल्ड होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं, उनके लिए उनका डाटा इसमें काउंट नहीं किया जा सकता। व्हाई? बिकॉज इसकी जो कल्चर है वो लैब कंडीशन में पता नहीं चलता, तो इसके लिए जो अलग से बायोलॉजिकल टेक्निक्स है, बायोलॉजी टेक्निक्स है या बायोकेमिकल बायोलॉजिकल टेक्निक्स जो यूज किए जाते हैं ताकि हमें पता चल सके मिलियन ऑफ डाइवर्सिटीज जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो ऐसे इनका आइडिया लगाया जाता है। इसके लिए टैक्सा जो बेनिफिशियल नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में इंडिया की एग्जाम्पल दी हुई है, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी, जो काफी ज्यादा देशेस है जहाँ पे पाई जाती है, इंडिया उसमें से एक है, ठीक है, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो कितनी मोस्टली एग्जाम्पल दी जाती है इंडिया की दी जाती है, ठीक है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे स्पीसीज पाई जाती है। लैंड कितनी है बताई हुई है आगे, वर्ल्ड लेवल पे बताया हुआ है आगे, ठीक है, ग्लोबल स्पीसीज कितनी पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स पाई जाती है, 90,000 से लेके 1,00,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स है, न्यू स्पीसीज। इसके अलावा पहले वाली स्पीसीज को तो काउंट किया ही जाता है, इसके अलावा जो न्यू स्पीसीज है वो भी काउंट की जाती है, इसमें कितनी ज़्यादा है जो या आने वाले टाइम में जो डिस्कवर्ड हो सकती है या हो चुकी है उनको भी लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद ये बताते हैं हमें, एक एस्टिमेट सा बन जाता है कि कितनी प्लांट स्पीसीज होंगी, कितनी एनिमल स्पीसीज होगी, ऐसे बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है होल्स पे कितनी है, ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें बताया हुआ है, ठीक है। जब हम यहाँ से क्रिएटर से मूव होते हैं तो होल्स पे जैसे जैसे मूव होते हैं तो वहाँ पे स्पीसीज चेंजेस जो है वो बढ़ती जाती है, अलग अलग टाइप की स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देखो कोलंबिया बताया हुआ 1400 बर्ड स्पीसीज है, जो इंडिया 1200 स्पीसीज है, इसमें 100 बर्ड स्पीसीज है, ठीक है, ये सब कुछ होल्स के लिए स्पीसीज है, ये सब कुछ बताया हुआ है इसमें, ये आप पढ़ लेना कितनी अमाउंट ऑफ स्पीसीज कितनी है। यहाँ से एमसीक्यूज या 1 मार्क क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं। उसके अलावा बताया गया है कि यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है तो वहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ज़्यादा पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, तो इसके लिए हम देखते हैं क्यों, क्योंकि हमें
पता है कि पॉपुलेशन या लगभग टाइप की जो स्पीसीज है वहाँ पे ज्यादा होगी, या फिर उनके लिए जो स्टेबल कंडीशन है वो नहीं मिल सकती, ठीक है, तो वहाँ पे ज्यादा होती है यहाँ पे इनको, तो इनके लिए स्टेबल कंडीशन है वो मिल सकती है, तो इन प्लेसेस पे इनको स्टेबल कंडीशन मिल सकते, सही मात्रा में हीट मिल जाती है उनको, जो चीजें चाहिए होती है, फूड चाहिए होता है, ठीक है, हैबिटेट जैसा चाहिए होता है वैसा उन्हें मिल जाता है, ठीक है, टाइम टाइम पे जो चेंजेस उनको चाहिए होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इन प्लेसेस पे जो मिलियन सालों से पिछले कोई चेंज नहीं आई होती, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली ऐसे चलता जाता है उनका सिस्टम, कॉन्टिन्यू होता है, तो वहाँ पे कोई भी जो स्पीसीज है वो मूव नहीं होती सीजनल चेंजेस की वजह से, बोल दो या कुछ भी कोई भी चेंज आती है तो उसकी वजह से कोई स्पीसीज है जो इकोसिस्टम में चेंज की वजह से मूव नहीं होती, वही पे है काफी ज्यादा सालों से, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस पे कॉन्स्टेंट होती है जब चेंज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अब स्पेसिफिक प्लेस पे, कोई ना कोई स्पेसिफिक प्लेस पे हम कैसे स्पीसीज का आइडिया लगाते हैं, ठीक है, उसके लिए जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है उसने एक इक्वेशन दी है कि कैसे आप आइडिया लगा सकते हो इसके लिए, हैबिटेट देखिए, हैबिटेट तो आपको पता हैबिटेट यहाँ पे स्पीसीज पाई जाती है जहाँ उनको स्टेबल कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग जो उन्हें चाहिए होती है वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ उनके जो लाइफ स्पैन है लाइफ स्पैन उसको बढ़ाया जा सकता है। तो देखते हैं जो बोल्ट है उसने क्या एक इक्वेशन दी है, ये वाली लोग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, जो ये लाइन बनाई है लॉग स्केल बनाया हुआ है यहाँ, ठीक है, इसके लिए आपको मैंने एक एग्जाम एक आपको इक्वेशन बताई थी, इसकी इक्वेशन के वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, जिससे हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप एस क्या होगी यहाँ पे जितनी अमाउंट ऑफ स्पीसीज टोटल है ये कितनी जगह वो स्पेसिफिक प्लेस है, ठीक है, सी क्या है यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है जेड स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन तो पता ही हमें वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगी, ठीक है, तो जेड ये वाली साइड पे जेड लॉग ए दी हुई है, जो जेड है ये स्लोप होती है, ठीक है, इसकी जो स्लोप है देखो अलग अलग टाइप से लिमिट लगाई हुई है, छोटी प्लेसेस पे कितनी है, जो बड़ी प्लेसेस है वहाँ पे कितनी है, ठीक है, क्या क्या चेंजेस कितनी लिमिट लाई हुई होती है, ठीक है, मैमल्स के लिए क्या है, ये सब कुछ बताया हुआ है इसमें, ये आप पढ़ लेना, बट इससे होता क्या है, इस इक्वेशन से हम टोटल अमाउंट ऑफ स्पीसीज निकाल सकते हैं, या हमें टोटल अमाउंट ऑफ स्पीसीज पता हो, ठीक है, प्लेस निकालने हुआ कि लोग ए से हम एक निकाल सके कि वैल्यू स्लोप पता हो हमें, इसमें क्या होगा एक जितनी भी एलिमेंट्स में गिवन है हमें उनमें से एक अननोन होगा बाकी के नोन होंगे जो हमें पता होंगे, तो ऐसे हम उस अननोन वैल्यू को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, तो ऐसे आइडिया लगाया जाता है, ये मैंने दोनों पॉइंट्स आपको पढ़ाई दिए थे, पहले इसमें क्या किया जाता है टोटल स्पीसीज को काउंट किया जाता है टोटल स्पीसीज कितनी है, उसके बाद स्पीसीज अवेयरनेस के लिए जो जितनी ज्यादा जो स्पीसीज होती है अवेयरनेस ऑफ स्पीसीज काउंट की जाती है, जितनी जो स्पीसीज की ज्यादा अमाउंट होती है वहाँ पे उस प्लेस पे, ठीक है, तो ऐसे ये स्पीसीज का हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज है। उसके बाद ये तो हमने प्लॉट पढ़ ही लिया कैसे बनाया, इसकी इक्वेशन भी देख ली थी, कौन सी इक्वेशन अभी हमने पढ़ी है, log s is equal to log c plus z log a, ठीक है, तो उसके बाद बेटा ये हो गया टॉपिक कंप्लीट, नेक्स्ट हमने पढ़े थे जो इसके हमने लॉस पढ़ना था, ठीक है, लॉस में हमने एवरेज क्वार्टर्स पढ़े थे, इसकी वजह से लॉस होता है जो बायोडायवर्सिटी का, उसमें कौन कौन से फैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो हमें पता है कि स्पीसीज को क्या चाहिए होता है, स्पीसीज को चाहिए होता है पहले दो पेजेस थे जी, इसके पहले एक फेज था बेटा वो इसमें आया नहीं, अभी चलो
मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, एक जो डेविड टिलमैन है जो उसने दिया था लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम के लिए, उसने बताया था टोट्स बनाए थे काफी सालों तक, क्या क्या चेंजेस हुई हैं, ठीक है, जब चेंजेस नहीं आती तो तब प्लॉट्स बनाए थे, ठीक है, चेंजेस नाउ कॉन्स्टेंट चलता है जब, ठीक है, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कितने अब ज्यादा चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो तब बनाएंगे हम उस टाइम पे, तो क्या होगा, हमें एक स्पेसिफिक आइडिया जो नहीं मिल पाएगा कि कितनी अमाउंट ऑफ टोटल स्पीसीज हो सकती है, ठीक है, कौन सी अमाउंट ऑफ स्पीसीज कितनी है, तो इसके लिए जो डेविड टिलमैन ये लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम के लिए कि काफी सालों तक ना भी एस्टिमेट लगाया जाए तो ये चीज चल सकती है, ठीक है, ये डाटा जो है उसने कलेक्ट किया वो चल सकेगा, ठीक है, तो ऐसे उसने किया था। इसके में उसने क्या कैसे किया था, स्टेबल कम्युनिटी को देखा था, ठीक है, स्टेबल तो पता ही आपको, स्टेबल कम्युनिटी कब होगी जब उसमें कोई सालों तक कोई चेंज ना आए, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया उसने बताया कि जिस टाइम पे उसने ऐसे प्लॉट्स बनाए हैं तो वहां पे ज्यादा चेंजेस जो है सालों सालों तक नहीं आई है, ठीक है, सेम कांस्टेंट चेंज में चला है प्लॉट। उसके बाद नेक्स्ट है उसने बताया कि कोई भी जो ओकेशनल डिस्टरबेंस है कुछ भी वहां पे नहीं होगा, ठीक है, दैट मींस वैसे की वैसी चीजें, ठीक है, सभी चीजें वैसी हैं। क्यों वैसी हैं, क्योंकि एक तो डाइवर्सिटी पाई जाती है, एक इसके अलावा अलग अलग टाइप की स्पीसीज होगी जब, तो डिसीजेस होने के चांसेस तब होगी, ठीक है, कोई स्पीसीज का लॉस नहीं ना हुआ होगा, ठीक है, इसके अलावा जो क्यों लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है एक स्पीसीज की वजह से सेकंड स्पीसीज को हार्म पहुंचाया जाता है, ठीक है, फूड बनता है वो उसका, तो उसके लिए क्या होता है, इनका जो एलियन स्पीसीज होती है, बड़ी स्पीसीज होती है, उनकी जो नेटिव स्पीसीज होती है उस पे हमला होता है, ठीक है, तो उस इन्वेजन को क्या किया, कम किया उसने, ठीक, उसने बताया कि कम की जाए तो हम स्टेबल कम्युनिटी को ला सकते हैं, ठीक है, तो उसके बाद एक उसने जो अलग हाइपोथेसिस था वो दिया था, किसने दिया था, पॉल एलिस ने दिया था। उसके बाद एक उसने क्या बनाया था, इकोसिस्टम में उड़ने वाला एक छोटी सी ऐसी डिवाइस सी बनाई थी, ठीक है, उसके बाद उसको पेज लगा के जैसे उसके जीन्स होते हैं, ठीक है, तो उसने स्पाइक कैम्प फिट किए थे छोटे छोटे से, जिसकी वजह से आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या कौन कौन सी स्पीसीज कैसी कैसी स्पीसीज है, ठीक है, तो उससे हमें पता चला कि कितनी एक्सटिंक्ट स्पीसीज है या कितनी इंडेंजर स्पीसीज है, तो इसका एस्टिमेट लगाया गया। बट जो इसने पॉल ने ये डिवाइस बनाई थी वो इतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं थी, क्यों, क्योंकि वो इतना इफेक्टिव डिवाइस नहीं था, उसका लॉस इसलिए एक ट्वाइस सही था, ठीक है, ट्वाइस तो इसलिए टूट भी सकता है, ठीक है, तो इससे हम ज्यादा डाटा नहीं देख सकते, या इसमें डाटा का जो डाटा डिलीट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है, डिवाइस को टूटने की वजह से। उसके बाद है नेक्स्ट लॉस, इसमें क्या होता है कि जब लॉस होता है डाइवर्सिटी का, कोई खत्म होती है स्पीसीज, तो उसमें IUCN एक लिस्ट बनाती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज होती है उनका डाटा बनाया जाता है, एक्सटिंक्शन टाइम कितनी स्पीसीज का लॉस हुआ, क्या हुआ, ठीक है, ये सब कुछ, कितनी टाइप ऑफ स्पीसीज कितनी है, ठीक है, विद बैकबोन कितनी है, विदाउट बैकबोन कितनी है, प्लांट स्पीसीज कितनी है, ठीक है, ये सब कुछ आइडिया लगाया जाता है, उसमें लिखा जाता है, सब स्पीसीज लिखी जाती है, तो ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है लिस्ट में। इसके अलावा जो अभी अभी एक्सटिंक्ट हो चुकी स्पीसीज है उनके नेम्स मेंशन किए जाते हैं, जैसे डोडो हो गया, क्वागा, सिकाओ, बन, जुहान एंड कैस्पियन सब स्पीसीज होती है इसमें, ठीक है, तो इसके अलावा क्या होता है, इफेक्ट क्या पड़ता है इसका, जो स्पीसीज का लॉस होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है उससे, इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है स्पीसीज की वो कम हो जाती है माउंटेन की। इसके अलावा क्या होता है कि जो इकोसिस्टम में बैलेंस बना होता है वो बिगड़ जाता है बैलेंस उसका, ठीक है, तो इसके अलावा काफी चीजें हैं, जो डिसीज साइकिल है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है, पेस्ट एंड डिसीज साइकिल, हायसिंथ फॉर्म होता है, पोल्यूशन कॉज हो जाता है, ठीक है, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। उसके बाद है अवन क्वार्टेट ऑफ फोर्सेस ऑफ फ्लोस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इसके क्या लॉसेज है, क्वार्टेट कौन से होते हैं और जो आगे हम इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से होंगे, ठीक है, तो थर्ड है, फर्स्ट से पढ़ते हैं, यही
सबसे पहले तो इसमें पढ़ा था हमने हैबिटेट लॉस. हैबिटेट लॉस तो पता ही है कि जो स्पीसीज, हमें पता है कि सीजनल चेंजेस की वजह से लगा लो या कोई भी चेंज आती है इकोसिस्टम में, तो उसकी वजह से स्पीसीज मूव होनी स्टार्ट हो जाती है अलग अलग प्लेसेस में. ठीक है, जैसे बर्ड्स हो गए, जब पोल्स पे ठंड ज़्यादा होती है तो वो मूव होनी स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, प्लेसेस होती हैं यहाँ पे हैबिटेट बोलते हैं उसको, जहाँ पे उनको स्टेबल कंडीशंस मिल जाती है, इसकी वजह से उनकी लाइफ सस्टेन हो पाती है. ठीक है, तो उसकी जो ऐसी जगह होती है, ऐसी प्लेसेस होती है, उनका लॉस होना स्टार्ट हो जाए तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, स्पीसीज पे इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो उनका भी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है. ये हैबिटेट लॉस जो होता है मोस्टली जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, ठीक है, उनकी वजह से ही मोस्टली होता है. तो हैबिटेट का जो लॉस होता है, पोल्यूशन कॉज होता है, उसकी वजह से भी होता है, जिसकी वजह से स्पीसीज पे इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट है कितनी अमाउंट ऑफ लैंड की कितनी खत्म होगी. ठीक है, कितनी अमाउंट कम होगी, ये आगे आपको अमाउंट्स दी हुई है, ये पढ़ लेना. उसके बाद नेक्स्ट देखो कल्टिवेशन सोयाबीन के लिए, लैंड जो है काफी ज्यादा लैंड चाहिए होती है. ठीक है, तो अब इतनी ज्यादा लैंड नहीं है, यहाँ कैटल्स होती है उनको अच्छे से फीड नहीं मिल पाती. ठीक है, उसके लिए भी लैंड चाहिए होती है, यहाँ पे प्लांट्स को. ठीक है, तो ऐसी लैंड खत्म होने की वजह से क्या होता है, लॉस होता है स्पीसीज का. उसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ, हमें पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लिमिटेड होती है अपने पास. ठीक है, तो जब ऐसी स्पीसीज होती हैं तो क्या होता है कि कुछ गुड्स जो लिमिटेड होते हैं उनका यूज ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या होता है, इकोसिस्टम में इम्बेलेंसिंग आती है, जिसकी वजह से इफेक्ट किस पे पड़ता है, स्पीसीज पे पड़ता है. ओके, आगे पीजेंस की एग्जांपल दी हुई है आपको. नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फिश जो फिश होती है. ठीक है, ऐसी स्पीसीज होती है, फिश स्पीसीज होती है, हमें पता है ना, जैसे हमने आगे पढ़ेंगे एलियन स्पीसीज. ठीक है, उनका हमला होता है किस पे, इन्वेजन होता है किस पे, जो छोटी छोटी नेटिव सीक्रेट फिशेज होती है. ठीक है, छोटी छोटी फिशेज होती है, आगे पढ़ते हैं. ठीक है, उसके बाद जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपोज हो जाती है इसकी वजह से, एक्सप्लॉयटेशन की वजह से. ये तो हो गया था. उसके बाद नेक्स्ट, तो इसका थर्ड पॉइंट है, नेक्स्ट थर्ड लॉस कौन सा है, नेक्स्ट है एलियन स्पीसीज इन्वेजन. ठीक है, अभी बता के चुकी हूँ मैं आपको कि जो बड़ी स्पीसीज हैबिटेट पे होती हैं उनका छोटी छोटी नेटिव फिशेस होती हैं, सिक्रेट फिशेस, उन पे हमला होते हैं. जैसे ये देखो एग्जांपल में दिया ही हुआ है, जो अपने आप को स्पीसीज नहीं बचा पाती. ठीक है, तो वो उनका लॉस हो जाता है. एग्जांपल के लिए नारियल फर्श की एग्जांपल दी हुई है, जो लेक में होती है. तो ये ना इसकी वजह से क्या कॉज होती है, इसकी वजह से बेटा एक्सटिंक्शन हो जाती है इनकी, जो छोटी छोटी सी फिशेज होती हैं, सीक्रेट फिशेज, लेक में 200 से भी ज़्यादा स्पीसीज की एक्सटिंक्शन इसकी वजह से कॉज होती है. इसके अलावा जो हायसिंथ फॉर्म होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं पानी में, वो इकट्ठे होकर लैंड से बना देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पोल्यूशन कॉज होता है. पोल्यूशन कॉज होता है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की लैक हो जाती है उस पानी में. बट जो ऑक्सीजन किसने लेनी होती है, फिशेज ने, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको ऐसे हार्म पहुंचता है. एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक स्पीसीज खत्म हो जाती है, ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज का लॉस होने लग जाता है. ठीक है, इसके अलावा जो कैटफिश की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, तो जो नेटिव छोटी छोटी से कैटफिशेज होते हैं उनको खा लेती है वो, तो जिसकी वजह से वो स्पीसीज कम हो जाती है. आगे को एक्सटिंक्शन पॉइंट दिया हुआ है, को एक्सटिंक्शन का मतलब तो पता ही है, एक स्पीसीज जो खत्म हो चुकी है उनकी वजह से क्या होता है, जो बाकी की स्पीसीज होती हैं वो डिपेंड होती हैं उस पर, तो उनका भी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो उसके लिए एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल ले सकते हैं. जो दो स्पीसीज आपस में डिपेंड होती हैं तो उनमें क्या होता है, बेनिफिट दोनों का ही होता है, या एक स्पीसीज क्यों, क्योंकि डिपेंड होती है आपस में. ठीक है, उसका भी लॉस नहीं होगा. तो इसकी एग्जाम्पल तो हमने पॉपुलेशन जो डेंसिटी वाला पढ़ा था उसमें दी हुई है आपको.
बटनिचलिज्म की आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, एक स्पीसीज का लॉस होगा तो उसका इफेक्ट सेकंड पे पड़ने की वजह से उसकी भी एक्सटिंक्शन कॉज हो जाती है, इसको बोलते हैं कोएक्सटिंक्शन। या उसके बाद नेक्स्ट था बायोडायवर्सिटी को बचाया जा सक बचाया जाता है क्योंकि क्या होता है जो इकोसिस्टम है काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती है उसमें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है इसके बायोडायवर्सिटी से। क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, फूड मिलता है हमें, वुड मिलती है, ठीक है, फ्यूल मिलता है, या काफ़ी ज़्यादा गुड्स मिलते हैं, ठीक है, मेडिकल इम्पोर्टेंस भी काफ़ी है इनकी, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें मिलती हैं उसकी वजह से हमें इनको बचाना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ऐसी फूड्स ऐसी चीज़ों की वजह से तो जेनेटिक स्पीसीज बायोडायवर्सिटी को बचाना पड़ेगा क्योंकि इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ना भी हो तब भी ये आपस में कहीं ना कहीं स्पीसीज आपस में डिपेंड होती हैं किसी न किसी चीज़ के लिए, तो इस वजह से भी हमें उन स्पीसीज को बचाना पड़ेगा ताकि इकोसिस्टम में इम्बैलेंस ना हो सके, ठीक है, इकोसिस्टम बैलेंस बनाया जा सके उसको। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए हमें बचाना पड़ेगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस टाइम क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, CO2 लेते हैं तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन देंगे गैसेस की एक्सचेंजमेंट की वजह से, ठीक है, तो ऑक्सीजन देंगे, वो ऑक्सीजन कौन लेते हैं, ह्यूमन बींग्स लेते हैं, ठीक है, तो हमें इसी वजह से ताकि इको सिस्टम बच जाए, फोटोसिंथेसिस सही वे से हो पाए, हमें ऑक्सीजन मिल पाए, तो इसके लिए हमें ये चाहिए होगा। उसके अलावा क्या होता है, पोलिनेशन के लिए कुछ स्पीसीज एजेंट पोलिनेटिंग एजेंट्स होती हैं लाइक बम्बल बीज होगी, बीज होगी, बर्ड्स होगे, बैट्स होगे, ठीक है, तो इनको सबको बचाना पड़ेगा इकोसिस्टम में। उसके अलावा एस्थेटिक रीजन के लिए भी हमें बचाना पड़ेगा, एस्थेटिक तो पता ही है आपको, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल लगती हैं, ठीक है, या देखने में हमें खुशी मिलती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, एस्थेटिक रीजन, इससे हमें देख के किसी चीज़ को खुशी होती है। तो ऐसे कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे सुबह सुबह आप सुनते हो तो जो बुलबुल सॉन्ग आप देखते हो ना, तो सुबह सुबह उनका चहकना पक्षियों का, तो वो हमें अच्छा लगता है, ठीक है, तो इसकी वजह से हमें स्पीसीज को बचाएंगे हम, इसलिए नीड है चीज़ों की ताकि पॉजिटिविटी फैले आसपास। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इस अभी मैंने बताया था आपको कि इनकी इनसे ज़्यादा अमाउंट हमें इकोनॉमिकली हम ना भी सोचे तो, ठीक है, कहीं ना कहीं ये स्पीसीज आपस में भी कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो डिपेंड होती हैं, ठीक है, पिछली डिपेंडेंट होती है, तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इनकी तब भी इनकी काफ़ी वैल्यू है इकोनॉमिकली ना भी होती। तो अब हमें ये देखना ही पड़ेगा ताकि इको सिस्टम बच सके, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है, तो क्या होगा कि सही वे से सब कुछ चल सके, आने वाले समय में कोई भी लॉस ना उठाना पड़े, ठीक है, किसी भी चीज़ की कमी या लैक ना हो पाए, ठीक है, तो इस वजह से हमें इनको बचाना पड़ेगा। अब देखो, अब ये तो पढ़ लिया क्यों बचाना पड़ेगा, कि क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, अब आगे नेक्स्ट है कि कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए इंसिटू एंड एक्सिटू जो वेज होते हैं, काफी मेथड्स हम बनाते हैं, ऑन साइट कंजर्व कैसे किया जा सकता है, स्पीसीज को इकोसिस्टम को कैसे बचाया जाता है, उसके लिए तो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है उनको ऐसी जगह पे शिफ्ट किया जाता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज तो हमने पढ़े ही, एक्सटिंक्ट स्पीसीज पड़ी हुई है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो खत्म हो चुकी है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है जो आने वाले समय में खत्म हो सकती है, ऐसी जो स्पीसीज होती हैं उन स्पीसीज का डाटा बनाया जाता है। उसके बाद जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं जो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगी, उसके जो जो इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है कि ये स्पीसीज आने वाले टाइम में ख़त्म ना हो सके, या उनको एक उनके लिए बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाता है उन प्लेसेस पे जहाँ उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है, ठीक है। वेस्टर्न घाट की एग्जाम्पल दी हुई है, आगे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी हुई हैं। एस्टर्न इंडिया की, नॉर्थ एस्टर्न इंडिया की एग्जाम्पल दी हुई है, एक्सेप्ट
असम एंड अंडमान लिखा हुआ जो आइलैंड है, ठीक है, उसमें कुछ प्लेसेस आपको मेंशन, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड, ठीक है, वियतनाम, लाओस एंड जो साउथ चाइना, ठीक है, उसको कुछ एग्जाम्पल्स ये आप पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद हिमालय में कुछ ऐसे प्लेसेस बताई हुई है, इंडिया में कुछ प्लेसेस बताई हुई है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट था एक्सीटू मेथड्स। एक्सीटू मेथड्स में हमने क्या पढ़ा था, ये एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना बेटा, ठीक है। लास्ट ये दी हुई है इसमें, कैसे इंजेंटिया हिल्स निकाले आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सीटू वैसे कैसे कंजर्व किया जा सकता है, तो उसमें ऑफसाइट मेथड्स कुछ यूज किए जाते हैं, ठीक है, जैसे स्पीसीज को एक्सटिंक्शन हो चुकी है जिन स्पीसीज की, उन्हें वापस कैसे लाया जा सकता है, या जो खत्म होने वाले इंडिजिनियस स्पीसीज उनको कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, ये सब कुछ एक लिस्ट बना के उनको कैसे सेव किया जाता है ये देखते हैं। उसके लिए कुछ मेथड्स यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, कौन कौन से मेथड्स है, इनके लिए क्या किया जाता है, उनको स्पेशल अटेंशन दी जाती है, उनकी बहुत ज़्यादा स्पेशली देखभाल की जाती है उनकी, ठीक है, ऐसे प्लेसेस पे शिफ्ट किया जाता है। उसके लिए कौन कौन से क्या क्या मेथड्स अपनाए जाते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स बनाए जाते हैं, ठीक है, एनिमल्स की हेल्प, उसके वाइल्ड एनिमल को बचाया जा सके, उनकी एक्सटिंक्शन ना हो पाए, जिसकी वजह से बोटेनिकल गार्डन बनाए जाते हैं, प्लांट्स की यहाँ पे देखभाल की जाती है, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ बनाए जाते हैं, उसके अलावा क्या किया जाता है, कुछ ऐसे टेक्निक्स अप्लाई की जाती है जिसमें पहले की जो हमें लगता है कि जिन स्पीसीज की एक्सटिंक्शन हो सकती है उनके नीड्स को अच्छे से फेस किया जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा फर्टाइल कंडीशन में काफी लंबे समय तक फेस किया जाता है, ताकि वो स्पीसीज से एक इस टेक्निक से एक स्पीसीज को बना पाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सीड बैंक। सीड बैंक्स में क्या किया जाता है, तो जेनेटिक स्ट्रेन्स होते हैं उनके, उनको जमा किया जाता है वहाँ पे सीड बैंक्स में, जो अच्छे सीड्स हमें लगता है कि इससे गुड क्वालिटी के सीड्स हैं, इससे हमें अच्छी अच्छी जो उपज है वो मिल सकती है, तो इसकी वजह से लंबे समय तक उनको जमा किया जाता है, ताकि उनसे फायदा ले सके हम बाद में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे टू जो मेथड्स हैं वो है कौन से 1992 में स्मिथ दी हुई है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड स्मिथ एग्जांपल दी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2000। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो पता ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है जिसमें ज़्यादा चेंजेस ना हो, काफ़ी लंबे समय से कॉन्स्टेंटली चले जो, ठीक है, लॉस कम हो, डाइवर्सिटी का लोकल लेवल्स ग्लोबल लेवल्स पे ये सब कुछ देखा जाता है। इसमें 190 इसमें जो वर्ल्ड स्मिथ है, ठीक है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट आती है जिसमें 190 जो देश है उनका कमिटमेंट है कि वो ऐसी सिचुएशन लेके आएंगे, ठीक है। उसके कहाँ पे थे, जोहान्सबर्ग में, ठीक है, ये प्लेसेस पे मिले हुए हैं। उसके बाद ये पढ़ लेना सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, ठीक है, ज़्यादा इसका भी मेन ही मकसद था, बट ये 1992 के में है, ठीक है, मेन ही चीज जो है 2002 में है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये बनाए गए। अब ये कंप्लीट हो गया यूनिट, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एक आपको मैंने इसकी असाइनमेंट सेंड की थी क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक पे लिख लेना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट पढ़ेंगे।